आपने बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के बारे में तो जरूर सुना होगा, और उन धोखाधड़ी में जो करोड़ों का नुकसान बैंकों को होता है, उन आंकड़ों पर नजर डालें तो बहुत बड़ी हैरानी होती है। लेकिन अब एक और मामला सामने आया है जो आपको और ज्यादा हैरान कर देगा। सीबीआई ने अब तक का सबसे बड़ा कहे जाने वाला बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में 17 बैंकों के समूह के साथ कथित 34,615 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला रजिस्टर किया है। इस धोखाधड़ी में DHFL के कपिल वधावन और धीरज वधावन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये एजेंसी की जांच के दायरे में आई अब तक की सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई आरोपियों के मुंबई स्थित 12 ठिकानों की तलाशी ले रही है। इससे पहले एबीजी शिपयार्ड पर 23,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। जांच एजेंसी में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कपिल वधावन, निदेशक धीरज वधावन और रियल्टी क्षेत्र की 6 कंपनियों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह के साथ कथित तौर पर 34,615 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के लिए आपराधिक साजिश में शामिल होने के लिए मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने बैंक से 11 फरवरी 2022 को मिली शिकायत के आधार पर ये कार्यवाही की है। इससे पहले 2021 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीआई को DHFL के प्रमोटर्स और तत्कालीन प्रबंधन की जाँच करने के लिए लिखा था। इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम को 40,623 करोड़ 36 लाख रुपए का नुकसान होने की बात कही गई थी। वधावन बंधु कथित भ्रष्टाचार के मामले में फिलहाल सीबीआई जांच के घेरे में है। गौरतलब है कि सितंबर 2021 में पिरामल ग्रुप ने DHFL को खरीद लिया था। पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने संकट के दौर से गुजर रही कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी कि DHFL को 38,050 करोड़ रुपए में खरीदा था। जनवरी 2021 में DHFL को खरीदने की दौड़ में पिरामल ग्रुप सबसे सफल बोलीदाता के रूप में उभरा था। पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने DHFL के कर्जदाताओं को 34,250 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। इसके अलावा कर्जदाताओं को DHFL के पास मौजूद नकदी में से 3,800 करोड़ रुपए भी दिए गए। अब देखना यही होगा कि इस केस में आगे क्या मोड़ आता है।